इधर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस म्यूजियम पार्टी बन रही है, कांग्रेस शून्यता की तरफ जा रही है, कांग्रेस के नेता ही पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, कांग्रेस नेता पार्टी को कट्टर पंथियों की पार्टी बनाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, मुरलीधर राव ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद ढूंढना पड़ेगा कि कांग्रेस कहां चली गई, किसानों के बीच कांग्रेस को कोई जगह नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं रही। कांग्रेस मध्य प्रदेश में शून्यता के ओर जा रही है और म्यूजियम पार्टी बनाने में कोई कसर माननीय नेतागण जो कांग्रेस के हैं वो छोड़ नहीं रहे। जब तक कांग्रेस को म्यूजियम पार्टी बनाएंगे नहीं तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये काम भाजपा नहीं, ये कांग्रेस की नेता कर रहे हैं और माननीय नेतागण कर रहे हैं, अनुभवी नेतागण कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, धरती पर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को कट्टरपंथियों की पार्टी बनाने में लगे हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, जो एनार्किस्ट हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, उन लोगों का अगर कोई मुखिया है, अगर उनका कोई स्पोक्स पर्सन है तो वो माननीय दिग्विजय सिंह है। और दिग्विजय सिंह कोई और अध्यक्ष रहे, कोई और रहे, लेकिन कांग्रेस की दिशा निर्देश करने वाला कोई नेता है तो वो है। इधर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीडी शर्मा आज इंदौर पहुंचे और इंदौर पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में हमारी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। 2023 और 2024 का रोडमैप भी हमारी सरकार ने तैयार किया है। सरकार और संगठन समन्वय के साथ काम कर रहा है। पार्टी इस दिशा में आत्मनिर्भर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बनेगी और आज देश का सबसे बड़ा दल है और हर जिले में हम इस व्यवस्था में भी एक पारंगत बन करके धीरे धीरे खड़े हैं। तो ये चर्चाएं भी अपने काम के सुदृढ़ीकरण, कौन कौन से पैमाने हैं जिन पर हमको काम करने की जरूरत है, उनकी चर्चा हमारे सभी पदाधिकारी इस पर कर रहे हैं। और पदाधिकारियों की भूमिका हमारी क्या है, हमारा रोल क्या है, हम किस प्रकार से अपने संगठन तंत्र को मजबूत करने के लिए अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मेरा क्या रोल बन सकता है, इसके बारे में चर्चा और मंथन करने का काम भी हमारे सभी कार्यकर्ता इस पर मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव को तो प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी ही। आगामी 2023 और 2024 का रोडमैप, जिसका उल्लेख आदरणीय मुरली जी ने बहुत पहले यहाँ की बैठक में प्रेस के सामने भोपाल के अंदर उन्होंने कहा था, तो 2023 और 2024 का रोडमैप भी भारतीय जनता पार्टी की आज की जो हमारी टीम है, ये टीम स्पिरिट के साथ, टीम भावना के साथ हम सब लोग जमीन पर मैदान